अउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद कर दी सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह वक्त अनुसार खुश रखे, शाद आबाद रखे। इस प्यारी दुआ के नाल अज तो बुला करते हैं आगाज़। से तो बुला आगाज़ करने पहले अपनी भैन भाइयों एक छोटी जी रिक्वेस्ट, जो साड़ी भैन भाई साढ़े अज तक सो गया फैमिली लोग चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लैन, ना दिए गए बैल आइकन के बटन ना प्रेस कर लैन, ताकि साड़ी हर आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन साढ़े सारी भैन भाइयों तक बर वक्त पहुँच रहे। तो जी अज की वीडियो साड़ी कुछ बहुत ज़्यादा खास आ, भैन भाइयों ने पूरी बहस करनी है, स्किप नहीं करनी, तो अगले जो सीन हो भैन भाइयों शेयर करते हैं। चलो अच्छा अल्लाह खैर करे। चलो भाई आ चलो थोड़ा बहुत उत्थे वजू करते ना, फिर भाई आके वजू करते, वजूआ की वजह फिर चलो मस्जिद पानी जो लीक हों थोड़ा तू बंद कर सलाह जहा, ये भी सवाब का काम मस्जिद का काम कि कूला वास्ते किसी होर दा, चलो कार कूर आओ तुम तो मैं ना माल तो चारा चलो बना लवा करते हैं फिर काम। ठीक अच्छा जी माशाल्लाह मैं पहुँच गया, तो आ नलका वा सैड तो तकरीबन आ दे मेरे भैन भाई देखना दे आ पानी लीक हुंदा वा, तो इस तरह माशाल्लाह मस्जिद है अल्लाह ताला का घर, आते जाते लोग यहाँ पर वजू करते हैं। और इस तरह मैं अपने भैन भाई को दिखाऊंगा, इधर मदरसा है जहाँ पर बच्चे करते हैं कुरान मजीद व कुरान हमीद, इधर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई है, कुल हुवल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। इधर ये मदरसा है और इधर बच्चे आते जाते वजू करते हैं, और इधर सामने स्कूल है, बच्चे आते जाते पानी वगैरह पीते हैं, बच्चों से गुजरते हैं। अभी अभी दोपहर है, अभी थोड़ी देर बाद बच्चों को छुट्टी होगी, इसलिए टाइम से बनाकर चला जाता हूँ, बाद में बच्चे नलका चालू कर लेंगे, क्योंकि अभी बना लेता हूँ ना, बाद में बच्चे आकर पानी पियेंगे तो फिर इधर से पानी जो सीमेंट होगा वो ज़ाया कर देंगे। टाइम से बना लेता हूँ ना, अभी तकरीबन छुट्टी को घंटा डेढ़ पड़ा है, चलो मैं काम शुरू करता हूँ। अभी देख सकते मेरे भैन भरा कि सप निकले आंदा, हाय हाय मैं तो उतो इटा वैसे नलके को परे कीतियां सी, उहदे थले सप सी, शुक्र अल्लाह दा बच्चा किसी बच्चे नू नहीं लड़ गया। कहिंदे आ ना ये जिहड़ा सप दा बच्चा वा ये वड्डे सप नालों भी ज़्यादा खतरनाक, ते अल्लाह खैर करे तीन तो चार मार चुके हैं, जिहड़े रोड़े रूड़े पाए सी उहनां दे विचों, ते बेटा ना मार इहनू उधर पाके मारूं हुण, मेरा बहुत तू हट जा दी मड़ी, तू हट जा उड़ लिया मेरे को, उड़ लिया मेरे को, किन्ना तेज दौड़दा वा, परे हट जा बेटा, परे हट जा, परे हट जा, परे हट जा, इन मैं ही मारूंगी तू ना मार, के तेरे लड़ ना जावे, परे हो जा, नदीम वाले नहीं मारता अजय, नहीं नदीम वाले मुझे नहीं मरे अजय, एक दफा फिर मारना खाना है निके निके बच्चे सप्पां दे, ये जड़ियाँ इटा उटा पुरानियाँ कोई रोड़े रोड़े पाए थे इसे तो आख्या से लग जा, तो अल्लाह खैर करे ये सो भी है किचन वाली कोई जीकर मुकर थले बच गई थी, वो ना चक के बाहर सीट सकने भी चलो कुछ ना कुछ फरश पा लाँगे, वो फरश भी नहीं पाई गई तो पे से, तो वैसे ही मैं तो परे कर लगी थी, तो फिर थोड़े निकले इतों अगे भी दो दफा निकल आए, अज फिर इतों ही निकल आए, अल्लाह खैर करे पता नहीं इतने किन्ने क सप्पां के बच्चे बेटा, ये जो सप से असी मार छड़िया तो इन चक के कित नपदे भी क्यों इनू हेठा दब देना जमीन दे, इस करके भी कोई जानवर इनू ना चुक लवे, कोई खा जाए एवं तो बेचारा कोई मारी ना जाए जानवर, जब बेटा इनू नप के आ रहा वा, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा वा, लेकिन रेस्ट की भी हर नूं सुकून करन दा भी हर नूं दिल करता, तो लेकिन रेस्ट करन दा भी हर दा ही दिल करता, लेकिन की करिए इंसान दियां कुछ मजबूरियां परेशानियां भी होंदियां नाल, तो असी अल्लाह खैर करे हुण पकाने खाना, वसीम अली की तैयारी करते हैं रोटी की, तो उन्होंने आ जाना बारह बजे का खाना खाने वास्ते, अल्लाह खैर करे कि इतने छां भी कोई नहीं है, तो सोभिया बेचारी इसे तो कह रही थी भी मेरा किचन हो मैं बच गई हूँ, अल्लाह पाक मेरे बैठे से वाशरूम तैयार कर दिए सारा समान हले पिया, वाशरूम का समान पिया हले, सीमेंट चाहिए दस पंद्रह गट्टू पलस्तर वास्ते, पलस्तर वास्ते सीमेंट उत फिर ही आ किचन, अल्लाह मियां साहब करे को तो भी अल्लाह दे दूगा, लेकिन आ किचन तो जरूरी थी, कि आ पली जी लाई थी ये भी बहुत नीवी हो चुकी, तो अल्लाह खैर करे
इतने छां भोरा बनाई थी लेकिन जिथे मैं बह के रोटी पका उ धुप आ भी गई। बाहरों करके आना जो तो घर आना तो उस टाइम गर्मी हो जाती है कि करिए फिर काम तो जिंदगी दे नाल नाल गल्लां करन वाले तो बहुत कर देंगे। शफीक ने माल रख्या है, शफीक ने माल रख्या तो अपनी लम्मीआं तंदुरुस्ती दे विच जान ते रख्या होया। सारा दिन बाहर भी खपना और अपने बच्चों भी करके दे के जाना भी है तो आखिर फिर करके देना। कोई सानू करके तो नहीं दिंदा जिहड़े जिहड़े जैलस हुंदे आ साढ़े माल ख्या तो अपने अलहमदुल्ला अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे साढ़े माल नूं ते जिहड़ियां भैणां ने दित्ता लैके अल्लाह उन्हां भैणां नूं भी तंदुरुस्ती देवे ते असीं अपने सिर ते रख्या होया। तो सारा दिन खपते हैं लोग इस टाइम सुकून कर रहे पखे लाए अंदर ही रैसट कर रहे लेकिन बच्चे कितने कमा रहे असी कितने अपने बच्चों वास्ते अपने बच्चों के पेट वास्ते कितने कितने धक्के खाने आखिर जो रैसट का टाइम हों उस टाइम साढ़ा खाने का टाइम हों। तो अलहमदुल्ला जिमें रब ने लिखी है इदा ही होनी है तो अल्लाह पाक जिथे रखे वह लख लख शुक्र अदा करते हैं हर वेले। तो साढ़ा काम थोड़ा जहा है वा इस वास्ते बेचारा वसीम अली इन्नी गर्मी च लगा हुआ भी चलो कुछ ना कुछ साडा लै बन जाए। यदा बाथा का समान लियाना सी लेकिन वह समान वास्ते बेचारे ने 2 रुपया बिल आया पिया वा लोगों पी हज़ार 30-30 हज़ार बिल ऐतकी आए साडा भी 18,000 रुपया बिल आया पिया। लमियाँ खैर करे ऐतकी मेरा पुत लिया वो पैसे तो बिल देवे लेकिन साड़ी तो सोच कुछ होर सी। सियाणे ने वाकई किया ना भी बंदा तो कोई सोचता हूँ ही वह जो मेरे मंजूरे खदा तो अल्लाह पाक खैर करे वाकई वह होनी है तो ये मंजूर नहीं सी साढ़े बाथा का समान तो लेकिन असी बिल देना वा मजबूरी है बिल तो हर सूरत ही देना जो बिल ना दे सकीए तो फिर अगले मीटर कट लेंगे। तो अल्लाह खैर करे औखे सौखे हो के बिल दिने। राशन लेना सी वह भी साडा रह गया राशन भी नहीं लिया होना क्यों बिल ही इन्ना ज़्यादा आ गया जो कोई 2-4 हज़ार हों फिर तो कोई परेशानी नहीं सी लेकिन 17-18 हज़ार बिल देना कुछ ना कुछ बंद मेहना रखा गरीब बंद जिदी है ही मजदूरी है तो वालद उन्हों का वह जो माल का चारा बना रह जाता इस वेले गर्मी से आकर कितने काम से जाए। तो एक वसीम अली तो सिर पर घर आ नदीम नईम अली है तो वह वैसे पढ़ता नदीम अली भी पढ़ता वह तो है ही अजे छोटे बच्चे करण जोगे नहीं हुए जो एक करण जोगा लामियां तंदुरुस्ती दे वह लगा आया मेरा पुत इन्ना बुखार भी रहा इन्ना बीमार भी रहा लेकिन खाना नहीं सी खाता ता भी सारी मिस्त्रियों के नाल सारा दिन दिहाड़ी करता। अल्लाह खैर करे 3 तो 4 दिन हो गए तो अल्लाह मियाँ खैर करे अल्लाह दे तंदुरुस्ती तो हूँ बनानी वो जो गई रोटी तो 12 बजे का टाइम हो आला वा 11 अल्लाह पाक बरकत पाई इन बच्चों के खाने में अल्लाह पाक इजाफा करे इन बच्चों के खाने में अल्लाह खैर करे है तो आ जा के रोटी है बेचारे सालन असी शाम नूं बनाई दा 3 टाइम बच्चे खाते सालन अल्लाह खैर करे हूँ सालन तो नहीं बनाना सालन साडा रात का ही पिया से लेकिन रोटी तो खाना तो बना ना लम्मी तंदुरुस्ती दे खाना रोटी तैयार करने सालन सुलन अपना गर्म करते हैं रोटी तैयार करते हैं मली आ गया वा अल्लाह खैर करे काम तो भी उन्होंने भी छुट्टी हो गई लम्मी तंदुरुस्ती दे अल्लाह सेहत दे दे जल्दी जल्दी तैयार होना मैं बैठ हो गई हूँ मैं तो मेरा पुत नहीं आ जाना उ गल होगी काम तो आ गए अल्लाह मियाँ खैर करे मैं जल्दी तो जल्दी हूँ रोटी तैयार होना एक अज गर्मी भी हैगी गर्मी की वजह के नाल चलो रोटी छेती तैयार हो जाए इतने छाँ ही नहीं रही जो मैं वापस मरबियों आना हों चारा लैके माल का उस टाइम एक इतने उच्ची नीवी जगह वा आटा भी गुनना बहुत औखा वा पर गुणदी हैं तो वैसे रेत इतने थोड़ी जी मैं इटा लगाइया से वो इटा तो भी उच्ची नीवी जगह हुई पी तो बहुत औखा वा अल्लाह मेरी धी की कभी दुआ मंजूर करूँगा मेरी धी ने अपने किचन वास्ते कल भी निक्किया निक्किया भैनों ने सद के दुआ कराई अल्लाह पाक कबूल करूँगा जी दुआ भैन भावानी दुआवों के नाल अल्लाह पाक की दुआ के नाल इंशाला बेड़े पार हो गए कभी साढ़ा भी जोड़ा काम जिन्ना का रहा वा ये भी फाइनल हो जाए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा वा इतने का खाना पकाने में दिल करता जी अपने असी कलिया ने खाना हो कभी भी 12 बजे खाना ना पकाई इन्नी गर्मी है लेकिन मजबूरी है जिन्हें बेचारे ने बाहर मिस्त्रियों मेहनत करनी है मजदूरी करनी है उन्होंने आके खाना तो जरूर खाना है तो सही मतलब उन्होंने वास्ते इस टाइम पकाना पैंता नहीं तो जिनी साढ़े शरीर धुप पै रही है इतने गर्मी इतने बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल नहीं करता उठे छां कोई नहीं है ये तरपाल जी जी खड़ी भी की लेकिन इधर इधर सैड तो हैगी छां तो इधरली सैड से धुप आ जाती तो उस सैड थोड़ी थोड़ी छां वह भी तत्ता सेक पैन दिया अगर जो बरांडा जहाँ हों ही चंगा से चलो मिट्टी मुट्टी का जिमें भी पासा मौसा का है पक्के बनाने पक्के पक्के बनते बनते पता नहीं अल्लाह पाक कदों मंजूर तो लेकिन अगले भी जोड़े वो भी गिर गुर गए
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਸੋਫੀਆ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਈ ਮਲੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਦੀ ਮਲੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਡੇਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁਬਹਾ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਸੋਫੀਆ ਜੀ ਦਾ ਅੱਬੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਊਗਾ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪੱਕ ਜੂ ਘਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੁਛ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ 'ਚ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੇਵੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਥਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਵੇਰੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਬਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸਾਲਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁਬਹਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਫੀਆ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।